का गाना कब कहाँ कैसे उठ जाए आप कह नहीं सकते। फिर आप चाहे नए सिंगर हो या कई सालों से मेहनत कर रहे हो और अचानक से कोई एक गाना आपको रातों रात सुपरस्टार बना दे। कुछ यही हालात है नीलकमल सिंह के और राकेश मिश्रा के। जी हाँ, इन दोनों के गाने आजकल बड़े ही जोर शोर से बज रहे हैं। राकेश मिश्रा वाला सॉन्ग तो भाई लेट लतीफ वायरल हुआ, लेकिन क्या वायरल हुआ। अब लगातार ये गाना इतने तेजी से बज रहा है कि ये 150 मिलियन व्यूज हासिल कर चुका है। जी हाँ, राकेश मिश्रा का ये पहला सॉन्ग है जो कि 150 मिलियन क्रॉस कर चुका है। और आपको बता दें कि इस सॉन्ग की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ लयका तोहके पापा पापा कहा था। जी हाँ, आपने सुना ही होगा नीलकमल का सॉन्ग, ये भी 91 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुका है। और आपको ये बता दें कि इस गाने को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अभी तो इस गाने को रिलीज़ हुए एक महीना हुआ है और इस गाने ने एक महीने में ही क्या छाप छोड़ी है लोगों के बीच। अच्छा लग रहा है जब भोजपुरी में दो नए उभरते हुए सिंगर आ रहे हैं। लोगों को यही लग रहा है कि राकेश मिश्रा काफ़ी नए हैं, तो हम आपको बता दें राकेश मिश्रा ने बहुत गाने गाए हैं, बहुत लंबा स्ट्रगल किया है। तकरीबन 10 से 12 साल का ये स्ट्रगल रहा है और उनके हिस्से तब जाकर एक गाना आया है जिसने उन्हें बहुत बड़ी पहचान दी है। और अब राकेश मिश्रा का कोई भी गाना आता है तो लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। ठीक यही हाल नीलकमल का है। नीलकमल ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन ये कहेंगे कि उन्हें राकेश मिश्रा से जल्दी कामयाबी मिल गई है। नीलकमल की फैन फॉलोइंग भी बहुत तेज बढ़ रही है, उन्हें लोग फिल्मों में देखना चाहते हैं और उन्हें लोग और भी ज़्यादा स्टेज शो करते देखना चाहते हैं। वैसे आप ये कह सकते हैं कि आने वाले भोजपुरी का भविष्य सुनहरा है। हाँ, हम बात कर रहे हैं कि कौन सा गाना किसका सबसे ज़्यादा सुपरहिट है। आप कहेंगे भाई राकेश मिश्रा का, क्योंकि ये गाने ने तो 150 मिलियन व्यूज़ क्रॉस किया है। हम आपको कहेंगे कि एक नज़र आप नीलकमल सिंह के गाने पर भी डाल लीजिए, जिसने मात्र एक महीने में 91 मिलियन व्यूज़ क्रॉस किया है। और वहीं दूसरी तरफ 5 महीने में राकेश मिश्रा का गाना 150 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुका है। आप किसे बेस्ट कहेंगे ये आप पर है। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।